और स्विच के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज लूप्स। अब स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल 5 टाइप के लूप्स अवेलेबल हैं, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर, फॉर इन एंड फॉर ईच लूप, जिसे हम फॉर ऑफ कहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब आज जो हम यहाँ पे लूप्स कवर करने वाले हैं वो है हमारी फर्स्ट 3 कैटेगरीज, और वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि हम लोगों ने अभी तक की बाकी सारे लैंग्वेजेस में कवर किया है। फॉर इन लूप जो है वो हम ऑब्जेक्ट्स वाले टॉपिक के अंदर कवर करेंगे, और जो फॉर ईच लूप है ये हम एरे के साथ में कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा प्रोग्राम है आज की क्लास का वो है व्हाइल और डू व्हाइल लूप से रिलेटेड। अब यहाँ पे व्हाइल और डू व्हाइल लूप क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये आप सब लोगों को पता है। जब भी हमें नहीं पता होता है कि स्पेसिफिकली हमारा आइटरेशन कितनी बार चलने वाला है तो हम व्हाइल और डू व्हाइल जैसे लूप्स को काम में लेते हैं। अब कंडीशन पहले चेक हो तब काम हो तो उसके लिए व्हाइल, और पहले एक बार काम हो जाए उसके बाद कंडीशन चेक हो तो उसके लिए डू व्हाइल। तो वही हमारे पास में वर्किंग है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बाकी सारी लैंग्वेजेस में थी। अब सबसे पहला जो पार्ट का प्रोग्राम है, अब सेम एज ऑल दी एग्जांपल्स, एचटीएमएल, हेड टैग, बॉडी टैग और स्क्रिप्ट टैग को मैंने स्टार्ट कर लिया है। सबसे पहली जो मेरी वर्किंग है वो है व्हाइल लूप से रिलेटेड। अब यहाँ पर सिंपली मुझे एक सीरीज प्रिंट करवानी है, बेसिकली हर नंबर का रेज टू द पावर मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है। अब यहाँ पे जो नंबर्स मैं काम में ले रही हूँ वो है 1 से लेके 5 तक के नंबर्स। तो यहाँ पे 1 से लेके 5 तक का हम लूप चलाएंगे और एक एक करके उन नंबर्स का एक्सपोनेंशिएशन हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे रेज टू द पावर। अब यूजुअली होता क्या है कि जब भी हमें रेज टू द पावर कैलकुलेट करना हो तो हम वहाँ पे लूप चलाते हैं, लेकिन जब यहाँ पे हमारे पास में ऑपरेटर ऑलरेडी अवेलेबल है तो क्यों स्टेटमेंट्स को इंक्रीज करना। तो अगर हम यहाँ पे व्हाइल के सिंटेक्स की बात करते हैं तो यूजुअली हमारे पास में 3 पार्ट है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आई नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है यूजिंग वैर कीवर्ड, जिसके अंदर मैंने इनिशियल वैल्यू 1 असाइन करवा दी है। अब यहाँ पे जो व्हाइल की कंडीशन है दैट इज आई इज लेस देन इक्वल टू 5, तो हमारा लूप सिर्फ तब तक चलने वाला है जब तक हमारी आई की वैल्यू 5 के बराबर नहीं पहुंच जाती। अब यहाँ पे लूप के कर्ली ब्रेस को स्टार्ट करने के बाद मैंने सिंपली एक स्टेटमेंट लिखा है और मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई रेज टू द पावर ऑफ आई, जिसे मैंने कॉन्कैटिनेट करवा दिया है बी आर टैग के साथ। अब यहाँ पे आई के अंदर सबसे पहली बार लूप जब चलेगा तो वैल्यू क्या होगी, आई के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू है 1 और 1 जो है वो 5 से छोटा है। कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर आएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का स्टेटमेंट चलेगा, 1 raised to the power of 1, तो 1 ही होता है तो वो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा और कर्सर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पर इस br टैग की हेल्प की वजह से। अब इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद मैंने i के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया है, तो इसके लिए हमारे पास में इंक्रीमेंट ऑपरेटर अवेलेबल है। अब आप यहाँ पे चाहो तो प्री वाला भी काम में ले सकते हो, पोस्ट वाला भी, और अगर आपको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर वाला पार्ट इंप्लीमेंट करना है i प्लस इक्वल्स टू 1 या फिर कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना है I is equals to I plus 1, आप सारे options में से कोई भी तरीका काम में ले सकते हो। तो अब पहली बार लूप एग्जीक्यूट करने के बाद हमारी जो I की वैल्यू है वो हो जाएगी 2, 2 भी हमारा 5 से छोटा है, कंडीशन फिर से ट्रू है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से क्या प्रिंट होगा, 2 रेज टू द पावर ऑफ 2, तो यहाँ पे हमारे पास में 4 एज आउटपुट आने वाला है। फिर से बी आर टैग, फिर से आई के अंदर इंक्रीमेंट दैट इज 3, 3 भी 5 से छोटा है, फिर से कंडीशन थ्रू है, तो 3 रेज टू द पावर 3 दैट इज 27 हमारी स्क्रीन पर प्रिंट होगा। फिर से नेक्स्ट लाइन, फिर i के अंदर इंक्रीमेंट, तो 4 इज लेस देन 5, कंडीशन फिर से ट्रू है, तो 4 रेज टू द पावर 4 दैट इज 256 हमारी स्क्रीन पर प्रिंट होगा। और फिर से br टैग, फिर से इंक्रीमेंट दैट इज 5, अब 5 से छोटा तो नहीं है लेकिन उसके बराबर डेफिनेटली है, तो फिर से कंडीशन ट्रू और 5 रेज टू द 5 हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। फिर से बी आर टैग और फिर से आई के अंदर इंक्रीमेंट एंड इट बिकम 6, अब जो 6 है ना वो 5 से छोटा है ना 5 के बराबर है, तो इस पॉइंट पर आकर हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। तो 1 से लेके 5 तक का हमने लूप चलाया है और हर एक नंबर का रेज टू द पावर हमने प्रिंट कराया है। अब आउटपुट कैसे आ रहा है पहले हम इतना पार्ट एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपली हर एक नंबर का रेज टू द पावर मैंने प्रिंट करवाया था, तो 1, 4, 27, 256 एंड 3125 कुछ इस तरीके से प्रिंटिंग हुई। अब ये सेम वर्किंग आप ऑफ कोर्स फॉर लूप से भी इंप्लीमेंट करवा सकते हो, सिर्फ सिंटेक्स को बताने के लिए मैंने यहाँ पे व्हाइल लूप वाला पार्ट इंप्लीमेंट किया। इतने पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? ऑलराइट,
मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जो कि है हमारे पास में डू व्हाइल लूप। अब यहाँ पे डू व्हाइल लूप की वर्किंग लगभग आप सब लोग को पता है, ये हमारे पास में पोस्ट टेस्टेड टाइप का लूप है। अब यहाँ पर जो वर्किंग मैंने इम्प्लीमेंट करवाई है बहुत ही सिंपल सी, मैंने यहाँ पे यूजर से एक नंबर का इनपुट लिया है और उस नंबर की टेबल मुझे यहाँ पे प्रिंट करवानी। अब यहाँ पे इनपुट लेने के लिए हमारे पास में प्रॉम्प्ट बॉक्स अवेलेबल है और अगर मुझे टेबल प्रिंट करवाना है तो मुझे सिंपली क्या करना है, उस नंबर को 1 से लेकर 10 तक हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारी टेबल प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यूजर ने 4 इनपुट किया है तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना, देन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना, देन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना एंड सो ऑन अप टिल 10। तो हमारे पास में 4, 8, 12, 16, 20 इस तरीके के वैल्यूज आ जाएंगे और हमारी टेबल प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे मुझे सिर्फ वैल्यूज को स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करवाना, जैसे मैंने ऊपर वाले पार्ट के अंदर व्हाइल के अंदर डिस्प्ले करा, मुझे यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर डेटा डिस्प्ले करवाना है। बेसिकली यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो जानी चाहिए, टेबुलर फॉर्मेट में डेटा मुझे डिस्प्ले करवाना है। अब HTML के अंदर अगर हमें टेबल क्रिएट करनी होती है तो वहां पे हमारे पास में टेबल नाम का टैग अवेलेबल है। अब टेबल एक्चुअली में है क्या, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो टेबल क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पे रो क्रिएट करनी पड़ेगी और रो के बाद हमें यहाँ पे कॉलम क्रिएट करनी पड़ेगी। तो रो के लिए tr टैग हमारे पास में अवेलेबल है और कॉलम के लिए td टैग अवेलेबल है। तो एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे क्रिएशन हो रहा है। सेम वर्किंग आप वाइल के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो और फॉर के थ्रू भी, मैंने यहाँ पे डू वाइल से इम्प्लीमेंट किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे num नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ var कीवर्ड और प्रॉम्प्ट बॉक्स की हेल्प से मैंने यहाँ पे यूजर से एक नंबर इनपुट करने के लिए किया है। तो एंटर अ नंबर, अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट का जो रिटर्न टाइप होता है दैट इज स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कोई भी वैल्यू हमारे पास में निकल के नहीं आती है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रिंग वैल्यू को पहले इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग पार्स इंट। जो भी वैल्यू है वो इस नम वाली वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे इस नम वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसे 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। तो उस वर्किंग के लिए मैंने यहाँ पे बी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जो हमारा काउंटर वेरिएबल की तरह एक्ट करेगा, जिसके अंदर मैंने 1 एज अ इनिशियल वैल्यू असाइन करवा दिया है। अब यहाँ पर मुझे टेबल सिर्फ एक बार क्रिएट करनी है इसलिए हम इस स्टेटमेंट को लूप के अंदर मेंशन नहीं कर रहे हैं। टेबल हमें एक बार क्रिएट करनी होती है, अगर मल्टीपल रोज है तो tr टैग को बार बार लिखना पड़ता है, अगर मल्टीपल कॉलम है तो td टैग को बार बार लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने document.write के अंदर डबल कोट्स में टेबल टैग को स्टार्ट कर दिया है जिसका बॉर्डर एट्रीब्यूट भी मैंने काम में लिया है और उसकी वैल्यू सेट कर दी है 1। तो हमारे पास में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक ब्लैंक बॉक्स टाइप बन जाएगा जिसका बॉर्डर 1 सेट हो चुका है। अब टेबल के अंदर अलग अलग रोज और अलग अलग कॉलम्स हमारे पास में अवेलेबल है तो रो को क्रिएट करने के लिए भी मैंने यहाँ पे document.write को काम में लिया है और tr टैग को ओपन कर दिया है। अब टेबल टैग और tr टैग को मैंने अलग अलग स्टेटमेंट्स में लिखा है, आप चाहो तो यहाँ पे एक साथ एक ही स्टेटमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं। अब यूजुअली होता क्या है कि जब भी हम टेबल क्रिएट करवा रहे होते हैं तो हम यहाँ पे मल्टीपल रोज करवाते हैं, मल्टीपल कॉलम्स करवाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे मल्टीपल रो नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक रो चाहिए और उस एक रो के अंदर अलग अलग कॉलम में डेटा आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इस स्टेटमेंट को भी लूप के बाहर ही लिखा है। तो एक बार टेबल क्रिएट होगी और एक बार उसके अंदर रो क्रिएट होगी। अब आ रही है हमारी लूप की वर्किंग। लूप के लिए हमें यहाँ पे सिंपल डू लिखना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे सारे स्टेटमेंट्स और एंड में आती है हमारी कंडीशन, वही सिंटैक्स है। अब इस लूप के अंदर मैंने लिखा है document.write। अब यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करवाना है, इस नम वाले वेरिएबल की वैल्यू को बी से मल्टीप्लाई करवाते जाना है और डिटेल्स को डिस्प्ले करवा देना। लेकिन ये डिटेल कहाँ डिस्प्ले होगी, कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन से पहले मैंने डबल कोट्स के अंदर टीडी टैग को स्टार्ट किया है और फिर मैंने उसे कॉन्कैटिनेट करवाया है मेरी एक्सप्रेशन के साथ में। नम के अंदर मान लेते हैं यहाँ पे यूजर ने 4 इनपुट किया है और बी के अंदर है मेरे पास में स्टार्टिंग में 1, तो 4 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो आंसर मेरे पास में 4 आएगा। तो कॉलम जो क्रिएट हुआ है उसके अंदर 4 वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी और उसके बाद मैंने td टैग को क्लोज कर दिया है। अगर आप यहाँ पे td टैग को क्लोज नहीं करोगे तो क्या होगा कि एक ही कॉलम के अंदर बार बार डेटा प्रिंट होता रहेगा, तो बेसिकली हमारी सारी वैल्यूज क्या है, ओवरराइट हो जाएगी और एंड में जाके हमारे पास में सिर्फ 40 ही एज आउटपुट मिलेगा। ऐसा नहीं करना,
हर वैल्यू के लिए अलग कॉलम बनना चाहिए और उसमें डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये हमारा कॉलम क्रिएट हुआ, डेटा डिस्प्ले हुआ और कॉलम हमारा क्लोज हो गया। उसके बाद मैंने बी के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया, वैल्यू बन गई मेरी 2। अब यहाँ पे है कंडीशन व्हाइल बी इज लेस देन इक्वल टू 10, सिर्फ तभी तक ही हमें यहाँ पे लूप चलाना है। तो 2 ऑब्वियसली 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, फिर से लूप चलेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे फिर से टीडी टैग को मैंने ओपन किया है तो सेम रो के अंदर हमारे पास में अब सेकेंड कॉलम बनेगा और उसके अंदर फिर से इस एक्सप्रेशन का आंसर जाके स्टोर हो जाएगा, यानी कि 4 × 2 दैट इज 8। और फिर से मैंने उस कॉलम को क्लोज कर दिया। फिर से बी के अंदर इंक्रीमेंट दैट इज 3 भी 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। फिर से डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन में आएगा, फिर से नया कॉलम क्रिएट होगा, एक्सप्रेशन का आंसर उस कॉलम में जाके स्टोर होगा दैट इज 4 × 3 12, और फिर से डीडी टैग क्लोज हो जाएगा। फिर से बी के अंदर इंक्रीमेंट, फिर से कंडीशन चेक। अब ये सेम प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी बी की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर नहीं पहुंच जाती। तो एक रो के अंदर मैंने यहाँ पे 10 कॉलम्स क्रिएट करे हैं और उनके अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाया है। जैसे ही बी की वैल्यू 11 हो जाएगी, हमारा लूप की वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी और हम आ जाएंगे इस स्टेटमेंट पे। अब यहाँ पे जिस तरीके से मैंने टीडी टैग को ओपन किया, उसे क्लोज किया, सिमिलरली मेरे 2 टैग ऑलरेडी ओपन है तो मुझे उन्हें भी क्लोज करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जिसमें TR यानी कि रो वाले को मैंने क्लोज किया है एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट जिसमें मैंने टेबल टैग को क्लोज किया। अब अगेन आप सेम डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट के अंदर भी दोनों टैग्स को मेंशन कर सकते हो, मैंने अलग अलग मेंशन किया। तो एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसे आ रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमसे नंबर का इनपुट मांगा गया है, मैं यहाँ पे 5 नंबर इनपुट कर रही हूँ और एंटर प्रेस करने पे देखिए हमारे पास में यहाँ पे एक टैबलर टाइप का स्ट्रक्चर आ गया है। आई होप सबको विजिबल है। तो देखिए जो ये आउटर बाउंड्री हमारे पास में आ रही है दैट इज आवर टेबल टैग, ठीक है। इसका बॉर्डर मैंने 1 सेट किया हुआ है और अब इस टेबल टैग के अंदर आपको यहाँ पे 10 अलग बॉक्सेस दिख रहे होंगे, ये हैं हमारे टीडी टैग। तो अगर हम यहाँ पे टीडी टैग क्रिएट नहीं करते, मान लीजिए सिर्फ एक ही हमने ओपन किया रखा होता, उसको क्लोज नहीं करते, तो इस फर्स्ट वाले के अंदर ही सारी वैल्यूज आके डिस्प्ले होती रहती और फिर हमारी वैल्यू जो है वो ओवरराइट हो जाती। तो वो नहीं करवाना है, प्रॉपर डिटेल डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इस तरीके से अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एक ही रो के अंदर सारा डेटा डिस्प्ले नहीं करवाना, स्ट्रक्चर इसी तरीके का होना चाहिए लेकिन 5 फिर उसके नीचे 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25 फिर 30 इस तरीके का डेटा आना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे मल्टीपल रोज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये जो हमारा TR वाला स्टेटमेंट है इसे भी हम लूप के अंदर ही मेंशन करेंगे। तो हर रो के अंदर एक नया कॉलम क्रिएट होगा जिसके अंदर डेटा जाके डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपको डेटा को कैसे डिस्प्ले करवाना है वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर एक ही रो है तो मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट करने पड़ेंगे और अगर अलग अलग रो में है तो फिर मल्टीपल रोज को क्रिएट करना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम स्पेसिफिक टैग को आपको लूप के अंदर ओपन करना पड़ेगा। तो ये है हमारा एग्जाम्पल डू व्हाइल का। किसी को भी इस पार्ट के अंदर कुछ भी कंफ्यूजन है? सबको क्लियर है गाइस ये वाला पार्ट? ऑलराइट, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट एग्जांपल। Now, as I was saying, कि यहाँ पे जो फर्स्ट थ्री कैटेगरीज है हमारी वो बिल्कुल सिमिलर है बाकी सारी लैंग्वेजेस से। तो 2 का एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम आ गए हैं थर्ड टाइप की कैटेगरी पे दैट इज द फॉर लूप। अब यहाँ पे फॉर लूप की वर्किंग भी एग्जैक्टली में बिल्कुल वैसी ही है, तीनों पार्ट्स को हम एक साथ मेंशन कर सकते हैं, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हो, बिल्कुल वही सिंटेक्स जो हमने सी के अंदर फॉलो किया है। लेकिन यहाँ पे फॉर लूप के साथ साथ हम एक और वर्किंग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, that is the use of is nan function।
अब आप में से किसी एक ने कल मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर यहाँ पे यूजर कोई वैल्यू इनपुट कर रहा है उसके लिए तो हम प्रॉम्प्ट को काम में ले रहे हैं, अगर हमें कन्वर्जन इम्प्लीमेंट करना है तो हम पार्स इंट को काम में ले रहे हैं, अगर कन्वर्ट करने के बाद भी यूजर ने गलत डेटा टाइप कर दिया तो फिर क्या होगा, तभी भी तो हमारा प्रोग्राम गलत तरीके से काम करेगा, तो एरर आएगी या चीजें कैसे काम करेगी और एरर नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कौन से फंक्शन को काम में ले सकते हैं एरर को अवॉइड करने के लिए, तो उसका सोल्यूशन है हमारे पास में इज नैन फंक्शन। अब एक्चुअली में ये काम कैसे करता है हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं, सेम एज ऑल दी एग्जाम्पल्स, HTML हेड बॉडी टैग को मैंने स्टार्ट किया है और स्क्रिप्ट टैग को भी मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो मेरी एक्चुअल में वर्किंग है वो सिंपली क्या है कि मैंने यूजर से एक अपर लिमिट या एंडिंग नंबर का इनपुट किया है, फॉर एग्जाम्पल यूजर इनपुट कर रहा है 10, तो 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स को मैंने डिस्प्ले करवाया है लिस्ट के फॉर्म के अंदर। आई एम श्योर आप सब लोग फॉर्म फेमिलियर हैं बुलेट से, जब हम 1, 2, 3 ABC या डॉट टाइप का शेप आता है तो उस तरीके की लिस्ट को मुझे क्रिएट करना है और सारे नंबर्स को डिस्प्ले करवाना है, कहाँ तक डिस्प्ले होगा वो लिमिट मैंने यूजर से इनपुट किया है। तो यहाँ पे मैंने A नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, % prompt enter ending number। अब यहाँ पे prompt की हेल्प से जो भी डेटा आएगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है जिसे % की हेल्प से हमने इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अभी के लिए हम मान रहे हैं कि यूजर हमेशा करेक्ट डेटा ही टाइप कर रहा है, यानी कि 10, 50, 100, 5, 42 कुछ भी वो टाइप कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे यूजर ने गलत डेटा टाइप कर दिया तो गलत डेटा का मतलब यहाँ पे यूजर ने सपोज A टाइप कर दिया, अजमेर टाइप कर दिया, कोई भी स्ट्रिंग टाइप कर दी, उसे तो हम पार्सन की हेल्प से कन्वर्ट नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे इनपुट के अंदर कैपिटल A दिया है तो पार्सन उसका ASCII वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो हमारा लूप काम ही नहीं करेगा, जब लूप काम करेगा नहीं तो हमारी सीरीज डिस्प्ले नहीं होगी। तो यूजर कन्वर्जन करने के बाद और इनपुट लेने के बाद भी अगर गड़बड़ कर दे तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि सही वैल्यू आई है या नहीं, उसके लिए हमारे पास में फंक्शन है इज नन। इसे हमें यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम या कोई भी वैल्यू हम पास कर सकते हैं। अब ये एक्चुअली में करता क्या है, जो भी डेटा हमने इसे एज अ आर्गुमेंट के तौर पे पास किया है ये चेक करता है कि वो वैल्यू नंबर है या नहीं, अगर वो वैल्यू नंबर नहीं होती स्ट्रिंग है या कोई और टाइप का डेटा है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करता है और अगर वो नंबर होता है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करता है। फंक्शन है इज नन जिसका मतलब होता है इज नॉट अ नंबर, तो अगर यूजर ने यहाँ पे सपोज कैपिटल A एज अ इनपुट दिया है तो ऑब्वियसली जो कैपिटल A है वो नंबर नहीं है ना, तो यहाँ पे हमारे पास में ट्रू आएगा एंड ट्रू इक्वल्स टू ट्रू, तो मैंने सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया है दैट इज कैन नॉट डिस्प्ले लिस्ट। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे यूजर ने अगर 10 दिया होता तो 10 तो हमारे पास में नंबर है तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करता, फॉल्स ट्रू के बराबर नहीं है तो इफ वाला पार्ट नहीं हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा जिसमें मैंने सीरीज को डिस्प्ले करवाया है। तो यहाँ पे इनपुट करने के बाद भी अगर हमें वेरीफाई करना हो कि जो इनपुट प्रोवाइड किया गया है वो सही है या नहीं तो उसके लिए हम इज नॉट अ नंबर फंक्शन को काम में ले सकते हैं। प्री डिफाइंड है इसका सिंटेक्स, आपको इसी तरीके से मेंशन करना है, एन जो है वो कैपिटल के अंदर आएगा दोनों, बाकी तीनों कैरेक्टर स्मॉल, अगर आप केस को चेंज कर दोगे तो फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है, एरर आएगी फिर उस केस में। अब यहाँ पे अगर यूजर ने सही डेटा टाइप किया है तो हम एल्स पार्ट के अंदर आ जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करनी है, लिस्ट का मतलब मेरे पास भी यहाँ पे बुलेट आने चाहिए अलग अलग तरीके के और फिर नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। तो किसी भी तरीके की लिस्ट अगर हमें क्रिएट करनी हो HTML के अंदर तो दो ऑप्शंस हमारे पास में होता है, एक तो होता है ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करना और एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करना। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब जहाँ पे हमारे पास में ABC 1, 2, 3 या रोमन में 1, 2, 3 उस तरीके की नंबरिंग आती है, और अनऑर्डर्ड का मतलब है जहाँ पे हमारे पास में फिल्ड बुलेट आता है, डिस्क शेप का आता है या स्क्वायर टाइप की बुलेट आती है, तो उस टाइप की लिस्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। अब यहाँ पे HTML के सारे टैग्स को हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मेंशन करना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डबल कोट्स में मैंने ड्यूअल टैग को ओपन कर दिया है। अब सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 1 से लेके जो यूजर ने एंडिंग नंबर इनपुट किया है वहां तक के सारे नंबर्स को डिस्प्ले करवाना है। तो फॉर वेर आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू A एंड आई प्लस प्लस, 1 से लेके जब तक हम उस एंडिंग नंबर तक नहीं पहुंच जाते तब तक का मैंने लूप चलाया है और एक एक करके एलिमेंट को प्रिंट करवाया है विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट राइट।
अब यहाँ पे हमने ये तो बता दिया है कि हम लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन हमें यहाँ पे लिस्ट के अंदर एक एक एलिमेंट को ऐड करना पड़ता है, और उसके लिए हमें यहाँ पे काम में लेना पड़ता है li टैग। तो यहाँ पे जो भी इस यूएल का बाय डिफॉल्ट सेटिंग होगा, फिल्ड बुलेट आएगा या स्क्वायर आएगा या डिस्क आएगा, तो एक एक एलिमेंट को अगर हमें ऐड करना है तो li टैग को मैंने स्टार्ट किया है और फिर i से उसे कॉन्कैटिनेट करवा दिया। तो i के अंदर सबसे पहली वैल्यू 1 है, तो एक बुलेट आएगा, फिर 1 डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि हर बुलेट के अंदर डेटा आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे br टैग को काम में लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन के अंदर शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे i के अंदर इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू बिकम्स 2, 2 हमारा मान लेते हैं, 1 के अंदर 10 है तो 2 10 से छोटा है, फिर से कंडीशन 2 है, फिर से एक नया li टैग बनेगा और एलिमेंट उसमें जाके प्रिंट हो जाएगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा यानी कि 3, तो एक नया हमारे पास में बुलेट आ जाएगा और 3 वहां पे प्रिंट हो जाएगा। अब ये सेम प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हम 10 तक नहीं पहुंच जाते। तो लिस्ट को मैंने स्टार्ट किया, एक एक करके एलिमेंट्स को ऐड किया और एंड में जाके मैंने यूएल टैग को क्लोज कर दिया है विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो यहाँ पे एक बार हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं दोनों तरीके से कैसे चीजें काम कर रही हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सही डेटा इनपुट कर रही हूँ, यानी कि मैं एक मेमोरी पैक की वैल्यू ही इनपुट कर रही हूँ, तो ये प्रॉपरली पार्सिंग की हेल्प से इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखिए 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स मेरे पास में प्रिंट हुए हैं और उनके आगे एक डॉट आ रही है, वो कहलाते हैं हमारे बुलेट्स। तो इस तरीके की नंबरिंग अगर हमें करनी हो तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट या फिर ऑर्डर्ड लिस्ट को काम में ले सकते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि यूजर ने अजमेर एज अ डेटा टाइप कर दिया, उसने मैसेज पढ़ा ही नहीं कि एंटर एंडिंग नंबर लिखा हुआ है, उसने तो इनपुट का बॉक्स देखा और उसने अजमेर टाइप कर दिया। उस केस में जो इस मैन फंक्शन है वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा और हमारे पास में एरर मैसेज आएगा दैट इज कैन नॉट डिस्प्ले लिस्ट। तो इनपुट करने के बाद भी अगर आपको चीजें वेरीफाई करनी हो तो हम इस फंक्शन को काम में ले सकते हैं। अब ये फंक्शन जो है ये थ्योरेटिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यूजुअली इस पे क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के अंदर, व्हाट इज द यूज ऑफ इज मैन फंक्शन। तो आप विद एग्जाम्पल आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आप बिल्कुल इसी तरीके से मेंशन कर सकते हैं। अब इस फंक्शन में या प्रोग्राम में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम, सबको सारी चीजें क्लियर हैं? ऑल राइट, टॉपिक ना, जैसे कि मैंने आपको कल क्लास में कहा था कि जो चीजें हमारी पहले से कवर हो रखी हैं बाकी सारे लैंग्वेज के अंदर, हम उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में हर एक एग्जाम्पल नहीं कवर कर रहे हैं, सिर्फ एक एक एग्जाम्पल में बता रही हूँ ताकि सिंटेक्स हमारा कवर हो जाए। लास्ट क्लास में इफ और स्विच से रिलेटेड मैंने आपको असाइनमेंट दिए थे, तो आज हमारा फॉर द करंट टाइम बीइंग लूप वाला टॉपिक जो है वो हमारा ओवर हो गया है। 3 कैटेगरीज हमने डिस्कस करी हैं और इससे रिलेटेड आई गेस 6 या 7 क्वेश्चंस हैं जो मैंने ड्राइव पे अपलोड कर दिए हैं। अब वहां पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो तो बिल्कुल सिंपल हैं, लाइक नॉर्मल लूप से आप इंप्लीमेंट कर लोगे, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनमें जरूरत पड़ेगी आपको नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप का कंसेप्ट आप सब लोगों को पता है, एक लूप के अंदर अगर हम दूसरे लूप को काम में लेते हैं तो वो हमारा नेस्टेड लूप कहलाता है। अब वो फॉर के अंदर फॉर भी हो सकता है, वाइल के अंदर वाइल भी हो सकता है, फॉर के अंदर वाइल या वाइल के अंदर फॉर भी हो सकता है। तो एक दो क्वेश्चन पैटर्न्स के हैं और एक क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरीके का जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में कवर किया है। एक टेबल आपको क्रिएट करनी है, लेकिन एक टेबल नहीं, मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 के टेबल को डिस्प्ले करवाया, वहां पे आपको 2 से लेकर 10 तक सारा उसका एक इमेज भी मैंने ऐड कर दिया है। तो क्वेश्चंस एक बार ट्राई करके देखना और किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझसे पूछ लेना, या समझ नहीं आया क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है तो वो भी आप पूछ लेना, ठीक है? तो सब लोग क्वेश्चंस एक बार देख लेना और कुछ प्रॉब्लम आती है देन। लूप्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज एरे। अब यहाँ पे एरे जो है हमारे पास थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, यहाँ पर सिर्फ एरे का क्रिएशन नहीं, उसकी प्रिंटिंग नहीं, बल्कि हम यहाँ पे बहुत तरीके के प्री डिफाइंड फंक्शंस को भी कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पे
हर लैंग्वेज में एरे को क्रिएट करने का अपना एक सिंटेक्स होता है, राइट। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास में एरे को क्रिएट करने के दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो मैं इस एग्जांपल में कवर कर रही हूँ, दैट इज यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब सेम एज ऑल दी एग्जांपल्स, एचटीएमएल टैग को स्टार्ट किया है, देन हेड, देन बॉडी, और फिर स्क्रिप्ट टैग को मैंने ओपन कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे अगर एरे क्रिएट करना है, चाहे वो न्यूमेरिक टाइप का एरे हो या वो स्ट्रिंग टाइप का एरे हो या वो बुलियन टाइप का एरे हो, किसी भी टाइप का एरे अगर हमें यहाँ पे क्रिएट करना है तो हम डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट्स को काम में ले सकते हैं। जैसे सी सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास में कर्ली ब्रेस होता था, वैसे यहाँ पे हमारे पास में स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है वैर कीवर्ड, क्योंकि मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है, दैट इज द एम वेरिएबल। अब यहाँ पर अगर मैं सिंपल वैल्यू लिखूं तो फिर वो सिंपल टाइप का वेरिएबल होगा, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को काम में लिया है और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पास करी है, तो मल्टीपल वैल्यूज अगर हम एक वेरिएबल के अंदर असाइन करवाते हैं तो वो बन जाता है हमारा एक तरीके का कलेक्शन, दैट इज एरे। तो सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हम यहाँ पे पास कर देंगे, तो 2, 6, 9, 8, 5 ये डेटा मैंने पास किया है। अब यूजुअली एरे की प्रिंटिंग अगर हमें करवानी होती है तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट से लेके जितने हमारे एलिमेंट्स हैं वहां तक का लूप चलाते हैं और एक एक इंडेक्स की हेल्प से हम डेटा को प्रिंट करवाते हैं। वो हम ऑफकोर्स करवा सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास में ऑप्शन है कि हम सारे एलिमेंट्स को एक साथ भी प्रिंट करवा सकते हैं। सिंपली क्या करना है, हमें हमारे वेरिएबल का नाम मेंशन कर देना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैंने यहाँ पे लिखा है एम, तो ये क्या करेगा, सारे एलिमेंट्स को एक साथ डिस्प्ले कर देगा। डिस्प्ले नहीं करवाना, अलग अलग डिस्प्ले करवाना है तो फिर उसके लिए हमें लूप काम में लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल। अब क्योंकि प्रोग्राम के अंदर और भी डेटा आ रहा है तो मुझे हर आउटपुट नेक्स्ट लाइन में चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे बी आर टैग को काम में लिया। तो ये तो था सबसे पहला तरीका जहाँ पे हमने एरे को क्रिएट करने के साथ साथ उसे इनिशियलाइज भी कर दिया है यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स को ही यूज करके हम एक और तरीके से एरे क्रिएट कर सकते हैं, जो कि है इंडेक्स बाय इंडेक्स एलिमेंट को असाइन करवाना। तो देखिए, मैंने यहाँ पे वैर कीवर्ड की हेल्प से क्यू नाम का एक एरे क्रिएट किया है और इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स को मेंशन किया है। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास में एक एरे टाइप का वेरिएबल बन चुका है, लेकिन अभी ये एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं। जावास्क्रिप्ट के अंदर गार्बेज जैसा कुछ भी नहीं जाता है जैसे कि सी सी प्लस में होता था। तो यहाँ पर हमारे पास में एक एम्प्टी एरे क्रिएट हो गया है जिसके अंदर फॉर द करंट टाइम भी एक भी एलिमेंट स्टोर नहीं। अब मुझे यहाँ पे एक एक करके इंडेक्स वाइज एलिमेंट को स्टोर करवाना है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखिएगा मैंने क्या क्या चीजें मेंशन करी हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है क्यू और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है 3। तो एरे के बाद अगर हमें इंडेक्सिंग वाला पार्ट इंप्लीमेंट करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में ही हम चीजें मेंशन करेंगे। तो इस क्यू के थर्ड इंडेक्स पे मैंने 10 एज अ वैल्यू को असाइन करवा दिया है। उसके बाद मैंने क्यू का सेकंड इंडेक्स क्रिएट किया है और उसके अंदर 100 एज अ वैल्यू असाइन करवा दिया। क्यू के फिफ्थ इंडेक्स पे मैंने 20 एज अ वैल्यू असाइन करवा दिया और क्यू के फोर्थ इंडेक्स पे 17 एज अ वैल्यू असाइन करवा दिया। अब यहाँ पे थर्ड, सेकंड, फिफ्थ एंड फोर्थ इंडेक्स क्रिएट करे, वैल्यू असाइन कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या है, एरे की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा जो एरे की इंडेक्सिंग है वो जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो इंडेक्स तो छोड़ देते हैं, मैंने तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स मेंशन नहीं किया, तो हमारे प्रोग्राम में एरर आएगी? नहीं, हमारे प्रोग्राम में किसी भी तरीके की एरर नहीं आएगी। जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम एरे क्रिएट कर रहे हैं और मैंने इंडेक्स बाय इंडेक्स चीजों को मेंशन किया, तो आप जो इंडेक्स यहाँ पे मेंशन कर रहे हो वहां पे डेटा चला जाएगा, और आपने बीच के अगर किसी इंडेक्स को स्किप कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे जीरो और फर्स्ट इंडेक्स को स्किप कर दिया, थर्ड, सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ पे एलिमेंट असाइन करवाया, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी स्किप्ड इंडेक्सेस है उन पे ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड जाके स्टोर हो जाएगा। अनडिफाइंड मतलब यहाँ पे इंडेक्स तो क्रिएट हो गया लेकिन उस इंडेक्स पे क्या वैल्यू है ये मैंने नहीं बताया है। तो हम चाहे तो इंडेक्स स्किप कर सकते हैं लेकिन वहां पे अनडिफाइंड जाके स्टोर हो जाएगा, प्रोग्राम में किसी भी तरीके की कोई एरर नहीं आएगी। अब यहाँ पर यूजुअली हम ये कहते हैं कि जो इंडेक्स पे वैल्यू असाइन करवाए हैं सिर्फ उतने इंडेक्स क्रिएट होंगे, यानी कि सिर्फ 4 इंडेक्सेस यहाँ पे क्रिएट होंगे और डेटा असाइन हो जाएगा, लेकिन नहीं,
ये स्किप्ड वालों के वहां पे अनडिफाइंड स्टोर करवा रहा है. तो जितना भी हमारा मैक्सिमम इंडेक्स होगा वो है हमारा टोटल काउंट ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जीरो से लेके फिफ्थ इंडेक्स तक के हमारे पास में इंडेक्सेस क्रिएट हो गए हैं और वहां पे डेटा जाके स्टोर हो गया है. अगर आपने डेटा मेंशन किया है तो वो जाके स्टोर होगा, नहीं मेंशन किया है तो अनडिफाइंड जाके स्टोर हो जाएगा. अब यहाँ पर मुझे एरे की टोटल लेंथ पता लगानी है, तो उसके लिए हमारे पास में एक प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी अवेलेबल है, दैट इज द लेंथ प्रॉपर्टी. बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने जावा के अंदर काम में लिया है. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट और टाइप की हेल्प से एक मैसेज दिया है काउंट ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू, जिसे मैंने कॉन्कैटिनेट करवा दिया है क्यू डॉट लेंथ के साथ में. ठीक है, किसी भी तरीके का अगर हमारे पास में कोई वेरिएबल है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मेथड और उसकी प्रॉपर्टी को अगर हमें काम में लेना पड़ता है तो हम ऑब्जेक्ट का नाम या फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं फॉलोड बाय डॉट और फिर हमारा आता है लेंथ और प्रॉपर्टी का नाम. तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्यू डॉट लेंथ. टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? जीरो से लेके फिफ्थ इंडेक्स तक, यानी कि टोटल 6 एलिमेंट्स हैं. तो काउंट हमारे पास में यहाँ पे 6 आने वाला है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कहीं पे लॉजिकल वैल्यू स्टोर है या कहीं पे इलॉजिकल वैल्यू स्टोर है. आप तो सिर्फ ये बता दो कि टोटल कितने एलिमेंट्स आपने काम में लिए, तो वो टोटल काउंट हमारे पास में आएगा, दैट इज 6. अब यहाँ पर मुझे एक एक करके सारे डेटा को प्रिंट करवाना है, एक साथ प्रिंट नहीं करवाना. तो सबसे पहले एक मैसेज है डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से, डेटा इन क्यू इज, जिसके पहले और बाद में मैंने बीआर टैग्स को काम में लिया है. अब यहाँ पर स्टार्ट से लेके एंड तक मुझे एरे को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे पहले हमें काउंट करना पड़ेगा कि अच्छा इतने सारे इंडेक्सेस है. जरूरत नहीं है, प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है, उसको हम काम में लेंगे तो हमारी वर्किंग हो जाएगी. तो वेर आई इज इक्वल्स टू 0, लूप हमारा कब तक चलता है? साइज माइनस 1 तक. अब यहाँ पे साइज क्या है? लेंथ प्रॉपर्टी के अंदर. तो आई इज लेस देन क्यू डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस. तो 0 से लेके लेंथ माइनस 1, यानी कि 0 से लेके 5 तक का हमारा लूप चलेगा और एक एक करके एलिमेंट्स प्रिंट होंगे. तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यू ऑफ आई, जिसे मैंने कॉन्कैटिनेट करवा दिया है बीआर टैग के साथ. तो सबसे पहले आई की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो अनडिफाइंड प्रिंट होगा. फिर बीआर टैग कॉन्कैटिनेट हो गया है तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे. फिर आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 1. फर्स्ट इंडेक्स में भी अनडिफाइंड है, फिर से नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे. फिर आई की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीमेंट होके 2. 2 के अंदर 100 है तो फिर 100 प्रिंट होगा. फिर थर्ड इंडेक्स पे 10 है तो वो प्रिंट होगा, देन 17 एंड देन 20. प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है इसका हम आउटपुट एक बार देख लेते हैं. सबसे पहले मैंने यहाँ पे एम नाम का एक एरे क्रिएट किया था, जिसे मैंने एक साथ ही प्रिंट करवा दिया. तो देखिए, अगर आप एरे को एज अ कलेक्शन होल प्रिंट करवाओगे तो कॉमा सेपरेटेड ही आपके पास में आउटपुट आ जाएगा. उसके बाद मैंने एक और एरे क्रिएट किया इंडेक्स बाय इंडेक्स और फिर उसका काउंट ऑफ एलिमेंट्स मैंने प्रिंट करवाया. तो देखिए, यहाँ पे 6 मेरे पास में काउंट ऑफ एलिमेंट्स आया है, 0 से लेके 5th इंडेक्स तक मेरे पास में सारे एलिमेंट्स. उसके बाद मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया डेटा इन क्यू इज और स्टार्ट से लेके एंड तक सारा डेटा प्रिंट करवा दिया. तो ये 0 इंडेक्स का अनडिफाइंड, ये फर्स्ट इंडेक्स का अनडिफाइंड, ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स, ये फोर्थ इंडेक्स और ये फिफ्थ इंडेक्स. तो कुछ इस तरीके से हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करके एरे क्रिएट कर सकते हैं. अब हमने यहाँ पर एक और कंसेप्ट पढ़ा है कि हम एरे का साइज स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमें 5 एलिमेंट्स का एरे क्रिएट करना है और फिर हम यूजर से इनपुट लें, तो वो हो सकता है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में वो कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है. स्क्वायर ब्रैकेट को हम सिर्फ तभी काम में लेंगे जब हमें डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी करवाना हो. अगर यूजर डिपेंडेंट एरे बनाना है तो उसके लिए हम सेकंड मेथड को, यानी कि एरे कंस्ट्रक्ट को काम में लेंगे, लेकिन वो एग्जांपल हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर. अभी के लिए इस प्रोग्राम में या प्रॉपर्टी में या किसी भी स्टेटमेंट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आपको पूछ सकते हैं.